हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ऑफिस बॉय के द्वारा ब्लड सैंपल ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर नगर परिषद के पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय शर्मा ने अपनी आपबीती मीडिया के सामने सुनाई है। अजय शर्मा ने बताया कि जब वे अपने पिता को लेकर अस्पताल में लेकर गए तो अस्पताल के अंदर SRL लैब में लैब टेक्नीशियन के बजाय ऑफिस बॉय के द्वारा ब्लड सैंपल लिया गया, जिस पर विरोध जताने पर वहां पर तैनात डॉक्टर ने भी बदतमीजी की है। अजय शर्मा ने इसकी शिकायत मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कॉलेज के प्रिंसिपल को भी लिखित शिकायत की है और शिकायत में इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर भी शिकायत की गई है। अजय शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ऑफिस बॉय के द्वारा ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने लिखित शिकायत करके मांग की है कि जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए ताकि किसी को जान ना गंवानी पड़े। उन्होंने बताया कि इस बाबत 1100 नंबर पर भी शिकायत की है और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। मैं 24 तारीख को सुबह अपने डैडी जी का शुगर टेस्ट कराने के लिए SRL लैब में गया, तो SRL लैब में लैब टेक्नीशियन ब्लड सैंपल ना लेकर एक उनका ऑफिस बॉय सैंपल लेता है, और जब मुझे उसका सैंपल लेने का तरीका नहीं ठीक लगा तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या हैं यहाँ पे, तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऑफिस बॉय हूँ, और ये बोलते हुए वो अंदर चला गया। जब मैंने थोड़ा सा ऊँची आवाज में बोला तो अंदर से डॉक्टर साहब की आवाज़ आई कि आप आइए हमारे पास, हमें मेरे से बात करिए। मैं जब डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरी समस्या ये है कि जो आपके पास लड़का है जिसने हमारे मेरे डैडी जी का सैंपल लिया, ये कौन है? तो उन्होंने माना कि ये ऑफिस बॉय है। मैंने बोला क्या ये सैंपल लेने के लिए अधिकृत है? क्या ये इसके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। और उसके बाद वो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं फिर आपकी, अगर आप नहीं संतोषजनक जवाब देते तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। उन्होंने कहा कि जाइए आप MS ऑफिस जाइए, प्रिंसिपल साहब के पास आइए। मैंने कोई बात नहीं, वो तो मैं चले जाऊंगा, आप नहीं कहिए। फिर मैं MS ऑफिस में वहां गया और MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, वहां बैठे हुए थे। मैंने उनसे अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक ऑफिस बॉय ने मेरे पिताजी का सैंपल लिया, जो कि 78 ईयर ओल्ड है, और एक ऑफिस बॉय उसका सैंपल ले रहा है, तो कुछ भी हो सकता था क्योंकि उनकी नस भी माड़ी से फूल गई थी। मुझे वहाँ डाउट हुआ। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब ने वहाँ माना कि मेरे ऑफिस बॉय ने ही सैंपल दिया है और उनको मैंने ट्रेंड किया हुआ है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या ये ऑफिस बॉय का ट्रेंड सर्टिफिकेट का कोई सर्टिफिकेट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सर्टिफिकेट कोई नहीं होता है। और ये कहकर मतलब उनके जरा भी डर नहीं था कि हमारे से गलती हुई है, और वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट कमरे में ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे लगता है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट और इनका एक्शन नहीं होगा। मैंने एक रिटर्न अप्लीकेशन लिखी और मैंने इसको प्रिंसिपल साहब को, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा हमीरपुर में है, मैंने उनसे ये अप्लीकेशन दी है और मैंने उनसे कहा है कि इसका जरूर एक्शन लिया जाए। मेरे पिताजी का तो टेस्ट हो गया और खुदा ना खास्ता वो ठीक रहे, लेकिन वहाँ हजारों लोग लाइन लगाकर टेस्ट लेते हैं। अगर ऐसे ही ये सैंपल इनके ऑफिस बॉय लेते रहे तो किसी ना किसी के जान को भी खतरा हो सकता है। तो मैं ये, और आज मैंने 1100 नंबर पर भी, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, मैंने उस पर भी ये कंप्लेंट डाली है। अब कितना एक्शन होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन मेरा प्रशासन और से और सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसी लैब को, अगर इनके पास स्टाफ रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो इन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़े अच्छी लैब और बहुत अच्छे हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, उसके माध्यम से ही किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 3 घंटे, हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके 3 घंटे ही वो ये होता है, और उनको 21 घंटे सिर्फ SRL लैब के लिए दिए गए हैं। ऐसा क्यों है ये भी एक सोचने विषय है। तो मेरा सरकार से और हमीरपुर जिला प्रशासन से और मेडिकल कॉलेज प्रशासन से प्रार्थना है कि इसको इंक्वायरी की जाए। CCTV फुटेज भी वहाँ पे है, उसको देखा जाए कि कौन मेरे पिताजी का सैंपल ले रहा है, और उसका सर्टिफिकेट और उसका वो देखा जाए स्टेटस कि क्या था, और जिसने भी ये कोताही की है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मेरी निवेदन है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे ताकि औरों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो और उनके किसी के साथ धोखा ना हो।